सुविधाओं की जरूरतों व आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की मुहिम के चलते एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद साझापुर के ब्लॉक बंडा में स्थित बिरहना बुजुर्ग गाँव पहुँचा। इस गाँव की दूरी ब्लॉक से 12 किलोमीटर है। लगभग 4500 की आबादी व 1853 वोटरों द्वारा अरविंद कुमार को अपना ग्राम प्रधान चुनकर उन्हें गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 327 राशन कार्ड धारक लाभार्थी हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो जूनियर व प्राइमरी पाठशाला में बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात की जाए तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 37 हैंडपम्प, विद्युत आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 80 विद्युत पोल, 6 विद्युत ट्रांसफार्मर व 10 सोलर लाइटें भी लगी हुई हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, पुलिया, पानी निकासी के लिए नाली का भी निर्माण कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों, 28 प्रधानमंत्री आवासों, 7 इंदिरा गांधी आवासों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गाँव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, बारात घर, शमशान घाट, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 132 आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं अरविंद कुमार प्रधान, बिरहना बुजुर्ग, ग्राम पंचायत बिरहना बुजुर्ग, ब्लॉक बंडा, तहसील पवाया, डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर। 530 मीटर खड़ंजा कार्य हो चुका है, उसके बाद नाली भी 230 मीटर बन चुकी है अपनी ग्राम पंचायत में, और 27 आवास बनवाए हैं प्रधानमंत्री, 7 इंदिरा आवास बन चुके हैं, 52 शौचालय कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद विभिन्न गलियों में पाइप का भी प्रावधान, पाइप भी पड़ चुके हैं। बाकी कार्य पुलियाँ का निर्माण, छोटी छोटी गलियों में पुलियाँ का भी निर्माण करवाया जहाँ पे ज़रूरत समझी। बाकी नल वगैरह जो है रिपेयरिंग वो तो होती है, यही काम हुए हैं अभी तक। सरकार से मांग है व केंद्र सरकार से, एक तो हमारे झावर में पुलिया का निर्माण, उससे किसान भी बहुत परेशान है और पानी वो है गांव की तरफ आता है। उसके बाद जो है गांव का नाला, नाला की सफाई होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ग्राम पंचायत में पंचायत भवन, उसकी आवश्यकता है। आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य विभाग के, बाकी शमशान घाट की भी आवश्यकता है, वो उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध हो जाए तो बहुत अच्छी कृपा होगी। मानदेय जो है प्रधानों का बहुत ही कम है और इससे कुछ हो नहीं पा रहा है, और मानदेय होना चाहिए कम से कम 15,000 रुपये मिनिमम होना चाहिए।